हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आज हम रेडॉक्स रिएक्शंस के तीसरे लेक्चर को पूरा करने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को देखे थे। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट के बारे में। आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। लेक्चर दो में हमने कम्प्लीट किया था डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब पूरे कंसेप्ट के बारे में चर्चा किए थे। और तीसरे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स, जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शंस और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स? रेडॉक्स रीड RED और OX से बना है। OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और RED का मतलब होता है रिडक्शन। मतलब क्या? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ हो, साथ साथ हो, उसे हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। नाम में ही स्पष्ट है रेडॉक्स, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो। मतलब एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जहाँ से लूज होगा तो उसी केमिकल रिएक्शन में दूसरा जो स्पीसीज होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ग्रहण करेगा, जिसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। डिफिनीशन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू स्पीसीज। जब दो स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसे आप बोल सकते हो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उसमें, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसके हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं स्टूडेंट, कि जैसे सोडियम है प्लस 1/2 Cl2 और ये बनाएगा NaCl। ओके, तो इसमें देखिए, इधर देखेंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, बट आप इधर देखोगे तो सोडियम का +1 हो जाएगा और क्लोरीन का -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने में से लूज किया है और इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने क्या किया है, गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बिटवीन टू स्पीसीज और ऐसा होता है तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही केमिकल रिएक्शन में होना तो इसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। एक कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, दूसरा डिकम्पोजिशन होता है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट होता है और तीसरा होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये चारों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, आप कॉपी और पेन लेके बैठना, मैं हर एक वीडियोज में कहता हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए बस ऐसे ही कमेंट कर दिए नाइस सर वाह सर, ये सब नहीं करना है। इसके साथ आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है ना। लिख करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और फिर बुक्स पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो वीडियोज को दोबारा 3 बार 4 बार देखेंगे, अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हो, आपके लिए सब फ्री अवेलेबल है। बस हमारे चैनल को इसके बदले में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के हम एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा सर्दी लग गया है मुझे, मानसून सत्र फिर से आ गया है मेरे नाक में, इसलिए कोई बात नहीं। इस एग्जांपल्स में देखेंगे ना, तो कम्बिनेशन का मतलब ये होता है जुड़ना, संयोजन, मतलब इसमें दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे मैं अगर हम बात करें तो सबसे इजी एग्जांपल्स हो जाएगा कार्बन होगा प्लस O2, तो ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएगा,
CO2, तो इस दोनों जुड़ा है, दोनों जुड़ करके CO2 का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पे संयोजन हुआ है, और इस दौरान भी एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ होगा और दूसरे का रिडक्शन हुआ होगा। आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन पर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक पे -2 लेते हैं तो 2 का -4 होगा, और बराबर के साथ जाएगा तो +4 हो जाएगा ना। ऐसे देखो, कार्बन पर एक्स मान लो आप, ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो -4 हो जाएगा, तो 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा स्टूडेंट +4। आप देखिए, ऑक्सीजन का इधर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 0 है, 0 से गया कहाँ +4, पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है तो रिडक्स रिएक्शन, और दोनों के जुड़ने से हो रहा है, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हमारे पास है 3 Mg+ N2। तो इसमें आप देखोगे ना, तो ये दोनों क्या बनाएगा, Mg3 और N2, और ये एक सॉलिड बनेगा। यहाँ भी देखो, मैग्नीशियम और डाइनाइट्रोजन आपस में जुड़ा है, तो हो गया ये कम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको बोलेंगे हम कम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस जुड़ने के दौरान मैग्नीशियम का यहाँ पे चार्ज 0 है, और यहाँ पे निकालो नाइट्रोजन का तो 2x हो जाएगा, और मैग्नीशियम पे +2 लेते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, +6 = 0, तो अब इधर हो गया -3, इधर हो जाएगा क्या +3। तो देखो, 0 से +3, ऑक्सीडेशन चार्ज में वृद्धि, ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका परिभाषा को हम अच्छे से देखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से इसके डिफिनेशन को। सबसे पहले डिफिनेशन को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे कि डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो दिज रिएक्शन आर रेडॉक्स, लिखेंगे दिज रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन इन हुच कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ फॉर्म अ क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। जब दो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये हमारा हो गया डिफिनेशन, मतलब इसमें दो स्पीसीज आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो इसी को कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप एग्जाम्पल्स ऊपर देख सकते हैं ना। कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब इसमें एक कंपाउंड होगा और वो दो अलग अलग रिएक्टेंट में टूटेगा, ये जस्ट होता है रिवर्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अगर इसके एग्जांपल्स को हम देखें तो इसके एग्जांपल्स को भी हम देख सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स को हम देखेंगे तो जैसे हम बात करें 2KClO3, ये किसमें टूटेगा, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, और ये हमारा टूटेगा 2KCl+3O2। इसमें देखो एक कंपाउंड है जो डिकम्पोज हो गया अलग अलग कंपाउंड में, KCl में और O2 में, तो इसे ही कहेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और इस दौरान भी अलग अलग स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ होगा, जैसे क्लोरीन का यहाँ पर निकालेंगे तो क्लोरीन का मान लेते हैं एक्स, पोटासियम पर होता है +1, ऑक्सीजन का लेते हैं -2, तो क्लोरीन पर निकालोगे तो x+1 - 6 = 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा +5, मतलब इधर क्लोरीन पे +5 है, इधर देख लीजिए तो -1, देखो +5 से -1 मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज में
कमी हो गई, मतलब क्या हो गया इसका, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन माइनस टू से जीरो, मतलब नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गया, माइनस टू से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, और ये हमारा क्या लगा, डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें कंपाउंड डीकम्पोज हुआ है, विघटित हुआ है और अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट हो जाएगा CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये टूटता किसमें है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैसेस में, ये अलग अलग टूटेगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डिकम्पोज। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि क्या स्पीसीज का ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम का प्लस टू हो जाएगा, ऑक्सीजन का आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन का निकाल लो, कार्बन का, और कार्बोनेट पे कितना होता है, माइनस टू होता है, सीधा सा देख लो, कैल्शियम पे प्लस टू, कार्बन पे माइनस टू, यहाँ पे कैल्शियम पे कितना होगा प्लस टू, ऑक्सीजन पे कितना होगा माइनस टू, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा माइनस फोर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस फोर, तो सब पे चेक कर लीजिए, यहाँ कार्बन का प्लस फोर ही होगा, कैल्शियम प्लस टू है, ऑक्सीजन पर माइनस चार है, दो माइनस छः, इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, डिकम्पोज तो हो गया, लेकिन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना किसी का रिडक्शन हो रहा है ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत छोटा सा डिफिनेशन हो जाएगा इसका, डिफिनेशन सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम लिख लेंगे। ओके, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, दीज रिएक्शंस आर These reactions are reverse, irreverse होता है, reverse of combination reaction, reverse of combination reactions and involve breakdown. Breakdown of a reactant into two or more more products, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। एक बात और, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक कंपाउंड है ए बी, जो किसमें टूट जाएगा, ए और प्लस बी में, मतलब ये ए बी है और ये ए बी में अलग अलग टूट गया, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके, जैसे टू के सी एल थ्री हो गया, टू के सी एल थ्री ओ टू में टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जो कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें टूट गया, सीओ टू में टूट गया, यही हो जाएगा क्या हमारा डिकम्पोजिशन, उसको दिखाना होगा, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका जो तीसरा टाइप हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को, मतलब कोई कंपाउंड है उसका एक आयन होगा, एटम होगा, वो दूसरे एटम आयन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिप्लेसमेंट मेटल के द्वारा भी हो सकता है, नॉन मेटल के द्वारा भी हो सकता है, तो हम दोनों को देख लेंगे। पहले हम एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स को ही देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर सॉलिड है प्लस टू ए जी एन ओ थ्री, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, और क्या कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर एन ओ थ्री का होल टू प्लस टू ए जी, देखो सिल्वर सॉलिड, मतलब कॉपर क्या किया,
इस कंपाउंड के मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसमें एक कंपाउंड किसी दूसरे, एक मतलब एलिमेंट किसी दूसरे यौगिक के किसी एक तत्व को रिप्लेस कर देता है। अच्छा, इस दौरान ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ क्या? हुआ ही होगा। ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसका जीरो है, कॉपर का यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे चेक करेंगे तो नाइट्रेट आयन पर होता है -1, एक नाइट्रेट आयन पे अगर हम बात करते हैं ना, नाइट्रेट पे तो -1 होता है, यहाँ पे दो नाइट्रेट है तो क्या हो जाएगा -2, तो इस पे -2 तो इस पे कितना हो गया +2। आप देखिए जीरो से +2 पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, मतलब इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और AgNO3 निश्चित तौर पर ये रिड्यूस हुआ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हटा होगा, सिल्वर का यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे +2 होगा, सिल्वर यहाँ +2 में, यहाँ पे क्या हो गया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इसका सिंपल सा एक डिफिनीशन हो जाएगा जो हम लिख लेंगे पहले, दीज आर These are redox reaction. These are redox reaction in which one element of the compound is replaced by atom or ion of another compound, another element ऑफ अनदर क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा। आज मेरा आवाज थोड़ा सा धीमा जा रहा होगा क्योंकि मुझे सर्दी हो रखा है ना। और देखो ना सामने मैसेज कितने कर रहे हैं, वो सब जो भी बच्चा सब जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ता है वो सब अभी मैसेज कर रहा है कि वाह सर, थैंक यू सर, तो मैं देख रहा हूँ फोन में। अब देख सकते हो इस तरीका से जो मैसेज आ रहा है उसी को मैं देख रहा हूँ। मेरा स्टूडेंट ना मेरा जान है ना, मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, सब कुछ है जिसको मैं पढ़ाता हूँ, और वे सभी जो हमारे वीडियोज को देखते हैं और लाइक करते हैं, डिसलाइक भी करोगे ना फिर भी मुझे खुशी है कि चलो किसी ने डिसलाइक तो किया ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूँ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो गया। अब इसके इसमें भी मैं देख सकता हूँ कि इसमें दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एक हो जाता है मेटल के द्वारा, तो इसको हम कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नेक्स्ट पे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारा हो जाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि मेटल के द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा। इसके एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है कि जैसे जिंक हो गया है ना, जिंक सॉलिड है, प्लस मरकरी ऑक्साइड हो जाएगा है ना, HgO सॉलिड रहेगा, तो यह करे ये क्या करेगा ZnO बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और इधर बन जाएगा मरकरी, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बी में कर देखें तो ये हो जाता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा बहुत बड़ा है ये लिखने वाला है ना, तो इसको भी एग्जांपल से देख सकते हैं हम कि जैसे पोटासियम है, ओके, और यहाँ पे हम ले लें 2H2O लिख के, पोटासियम को पानी में घोलोगे तो होगा क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक्वस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या हुआ नॉन मेटल हुआ, डिस्प्लेस हो गया ना, इसी को बोलते हैं नॉन मेटल और मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब जो 4 नंबर वाला है वो है हमारा डिस
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं असमानुपाती। मतलब इसमें क्या होता है, एक ही केमिकल रिएक्शन में किसी एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। मतलब किसी कंपाउंड का एक एलिमेंट होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसमें हम लिखेंगे 2NO2 प्लस H2O, इसको आप पानी में घोल दो तो ये फॉर्म करेगा HNO2, ये H है, HNO2, और प्लस क्या बनेगा, HNO3। इसमें देखो नाइट्रोजन का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, थोड़ा सा सर्दी हो गया है सॉरी, NO2 निकालोगे ना, तो नाइट्रोजन पे मानोगे आप क्या, एक्स, एक्स मानोगे ऑक्सीजन को -2 होता है तो -4 हो जाएगा, मतलब 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया, +4। इधर नाइट्रोजन का +4, इधर चेक कर लो, यहाँ पे निकालोगे तो हाइड्रोजन के कारण +1 प्लस एक्स -4 बराबर 0, तो एक्स का निकालोगे तो हो जाएगा +3, यहाँ पे हो गया +3, मतलब +4 से +3 डिक्रीज हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देख लो +1 प्लस एक्स -6 बराबर 0, तो एक्स बराबर होगा कितना, +5। यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 है, ठीक है। एक मिनट आपको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, क्योंकि तो आप पूछ जाओगे और अच्छे से। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, +4, देख लेना, यहाँ पे आ जाता है +3, यहाँ पे देख लो +5, देख लो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे हो गया रिडक्शन, +4 से +5 यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजमेंट, मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो एक ही साथ हो, साइमल्टेनियस हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका हम लिख सकते हैं डिफिनेशन इस प्रकार से, रिएक्शंस आर These reactions redox reactions in which oxidation and reduction of one element take place simultaneously, in which an element in a compound is simultaneously oxidized as well as reduced. ओके, ऊपर हो जाएगा इसका क्या, एग्जाम्पल्स हो जाएगा। मतलब एक ही स्पीसीज का ना क्या होगा, रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा, इसी को बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, पर मैं आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा टू एफ टू प्लस 2NaOH, और ये टूटेगा ना 2NaF में सोडियम फ्लोराइड में, प्लस OF2 में
प्लस एच टू को लिक्विड में। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फ्लोरीन का क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे देख लो क्या हो, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। देखो -1 -2, 0 से -1, 0 से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर पॉजिटिव में हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हो जाएगा। फ्लोरीन का तो -1 ही होने वाला, चेंज होने वाला नहीं है, इसको छोड़ो। यहाँ पे +2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अगर आप निकालते हो तो एक्स मान लीजिए हाइड्रोजन का +2 होगा बराबर 0, तो यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर ऑक्सीजन का कितना होगा, सोडियम पर +1 +1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, मतलब -2 हो गया, +2 हो जाएगा। क्लोरीन का 0 हो गया, एक बार -1 हो गया, एक बार -2 हो जाएगा। तो इसको भी हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ईच एटम। आपको प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और बताना है कि कौन सा किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, दोनों जुड़ रहा है, जुड़ करके कंपाउंड बनाया ना, तो जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ भी नाइट्रोजन का 0, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्री एलिमेंट में किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 0 होता है, 0 होता है। यहाँ पे निकालोगे इसका नाइट्रोजन का तो मानोगे 2x, ये हो जाएगा मैग्नीशियम का +2 होता है, 3 2 जाए +6, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिएक्शन। V2O5 कैल्सियम, क्या हो गया यहाँ पे, वैनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया ना कैल्सियम, कैल्सियम क्या कर दिया इसको, डिस्प्लेस रिप्लेस कर दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वेनाडियम पे मानोगे एक्स तो 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 तो 2x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा +5, यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज में कमी हुआ है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इधर इसका कैल्सियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो ये तो एग्जाम्पल भी दिए थे कि ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन, एक कंपाउंड है और ये दो अलग अलग पार्ट में टूट गया, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हो जाएगा +1 -1, ऑक्सीजन पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर +1 ऑक्सीजन पर, यहाँ पे क्लोरीन पे हो जाएगा -5, +1 मतलब +4 हो जाएगा। Br2 2i - 2 Br - i2, यहाँ पे देखो ब्रोमीन पे 0 है, यहाँ पे -1 है, मतलब रिडक्शन हो गया, नेगेटिव चार्ज में वृद्धि को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। और ये इसने क्या कर दिया, इसको भी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि यहाँ ब्रोमीन आयोडीन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्लोरीन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, Cl- Cl- है, क्लोरीन पे यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्लोरीन पे कितना हो जाएगा +1, यहाँ पे क्लोरीन पर -1 है, क्या हो गया, कुल 0 से पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, और 0 से निगेटिव चार्ज, मतलब एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में जब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। तो हम पांचों क्वेश्चंस को पहचान लिए, इस तरह से आप और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन 4 का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो बस कुछ नहीं मांग रहे हैं, फ्री का मिलता है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना कि आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि मैं इसको पढ़ते बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अंत में जय हिंद स्टूडेंट, आप रिवीजन कीजिए, बनी रहिए हमारे चैनल पर, थैंक यू।